Parker. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने दसवीं अलजबरा के लिए जो 10 तारीख को होने जा रहे इम्तहान की रहनुमाई के लिए काविश टीम की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो रहनुमाई का सिलसिला जारी था, उम्मीद है और अल्लाह ताला के फजल करम से कि आप उससे मुस्तफीद हुए होंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज अलजेब्रा की रहनुमाई का ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि आप आने वाले इम्तिहान में बहुत ही अच्छी तैयारी से जाएं और बहुत अच्छे नंबर हासिल करें। उसके बाद आप अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने स्कूल में, अपने माशरे में, अपने लोगों में एक नाम बनाएं और एक मकाम बनाएं। अब दसवीं जमात जो बहुत ही अहम होती है, उसमें मैथ्स के लिए बच्चे थोड़ा सा नर्वस होते हैं पहले से, लेकिन हमारे तजर्बे में ऐसा आया है, इसमें अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब घबराएं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपने जो भी तैयारी की उसमें मज़ीद और मशवरे शामिल कर लें, बेहतर होगा, क्योंकि हमारे सभी लोगों की दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए जारी है, अल्लाह ताला उसका सिला आपको बेहतर दे। आइए अब हम तैयारी की तरफ चलें। माशाल्लाह आज आपने साइंस का और इंग्लिश का पेपर दिया है, अच्छा ही गया होगा। अब हम दसवीं के अलजेब्रा के लिए 10 तारीख की तैयारी के लिए जुट भी गए होंगे बहुत बच्चे, लेकिन हमारा लाइव प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है तो हम यहाँ से आपकी रहनुमाई अब से शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जितने भी तैयारी जो इससे पहले की थी उसको आपने इकट्ठा किया होगा, जमा किया होगा, वहाँ वो जब भी आपने किया हो। अब बेहतर ये है कि आप सबसे पहले जितने भी तैयारी थी आपकी रिटर्न में वो सब आप इकट्ठा कर लें, आपके सामने हो, आपके आसपास हो, और बगैर कोई टेंशन लिए आप काम शुरू करें। सबसे पहले तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, घर में सभी लोग आपके साथ हैं। पहले आप जितना भी तैयारी कर चुके हैं उसका इयादा करें, रिवीजन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स में उर्दू जो नाम है रियाजी है, रियाजी रियाज से बना है, रियाज मतलब होता है दोहराना। यहाँ दोहराना मतलब बार बार किसी एक काम को दोहराएंगे तो आसान होता है। मैथ्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें छोटी छोटी बातें बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं, और अगर आप उसको अरेंज नहीं कर पा रहे हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो वो तकलीफ देते हैं, और कब देगा ये पता तो नहीं चलेगा, आखिर में उसका जवाब जब दिखेगा तब परेशानी दिखती है। तो उसके बेहतर के लिए आप शुरू से ही उसको तैयारी करें तो बेहतर है। आप जितना भी आपने मटेरियल इकट्ठा किया था अब तक, सबसे पहले आपकी किताब आपको मदद कर चुकी होगी, वो आपको एक बार देखना है, और उसके बाद आपकी जो नोटबुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको तरतीब बतरतीब आप उसको अब तक देख भी चुके होंगे और बहुत पहले से आपकी तैयारी जारी भी थी, बहुत सा हिस्सा आपने रिवाइज कर लिया होगा। फिर उसके बाद बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनमें आप भी होंगे, कि जो पिछले सालों का जो सवालिया पर्चा होता है बोर्ड का, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। वो इस तरह भी
کہ اس کو حل کرتے ہیں، اس کو ترتیب بترتیب جمع بھی کر کے رکھتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اسکول کے ٹیچرس ہوتے ہیں یا اور مددگار لوگ ہوتے ہیں اس کو باقاعدہ چیک بھی کر دیتے ہیں، اس میں آپ کو اصلاحی نقطے پر روشنی بھی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس ہو، اس کی بھی تیاری آپ کو کرنی ہے۔ تو وہ جو آپ کا حل کردہ پرچہ ہے وہ بھی رکھیں آپ ساتھ میں۔ بعد میں ایکسٹرا جو کچھ کوشچنس ہیں، مٹیریل ہے، اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ اتنا اکٹھا کرنے کے بعد اب آپ تیاری پر جائیں، جتنا بھی ہو چکا ہے اس کو ایک بار کم سے کم دوہرا لیں، کیونکہ دہرانے سے ذہن میں بات تازہ ہو جاتی ہے۔ اور ایسا میرا مشاہدہ ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ امتحان کے جب قریب ہم کوئی بات کو دہرا لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ذہن میں وہ کہیں جا کے بیٹھا ہوا ہے اور امتحان کے دن وہاں سے وہ بار بار نکلتا ہے۔ ایسا میرا مشاہدہ، میرا تجربہ بھی ہے، ایسا امید کرتا ہوں آپ کے ساتھ بھی ہو انشاءاللہ۔ پھر اب یہ آپ کا ہو جانے کے بعد اب سب سے جو اہم ہوتا ہے وہ کسی سوال کا، جو میتھ کا سوال ہوتا ہے، دیکھا جائے الجیبرا میں جو سوالوں کی تعداد ہے وہ 500 سے بھی اوپر ہے۔ اب ان تمام سوالوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو، یا ٹیچروں کے نظر سے بھی دیکھیں تو، اس میں کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں ہوتی۔ میرے تجربے میں آیا ہے کہ صرف چار بڑی باتیں ہوتی ہیں سوال میں، ان چار بڑی باتوں کے ترتیب میں اگر آپ چلیں گے تو سوال چاہے وہ آسان ہو یا مشکل ہو، اب اس کو ضرور کریں۔ اب جیسے کہ پہلا جو اسٹیپ ہے وہ کسی سوال کو سمجھنا، جسے سمجھنے کے لیے بیسک کانسیپٹ، بنیادی اصطلاح، بنیادی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ آپ تک اتنا ریویژن کیا ہے کہ اس میں کوئی مشکلات نہیں ہوگی، پھر بھی آپ اس کو دیکھیں۔ تو یہ کرنے کے بعد جو سوال میں دیا ہوتا ہے وہ اس میں اس بنیادی اصطلاح سے مدد ملتی ہے۔ تو بنیادی اصطلاح کے بعد جب ہم اس پہ جاتے ہیں تو سوال ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سوال تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو بہت ہی آسان ہوتا ہے، ایک درمیانی جسے اوسط درجے کا ایوریج کہتے ہیں، اور ایک مشکل ہوتا ہے۔ بٹ مشکل بھی آسان ہوگا اگر آپ ترتیب سے چلیں گے تو۔ تو آئیے پہلے ہم آسان پر چلتے ہیں۔ آسان میں ہوتا یہ ہے کہ جو معلومات دی رہتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور جواب جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو کیسا ہم حاصل کریں؟ جو جواب کا، سوال کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ضابطہ ہوتا ہے۔ اب ضابطہ یہ اس سوال کے حل کرنے کے درمیان میں صحیح ضابطہ یاد آنا چاہیے، یہ ایک جو ہے مسئلہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسا آپ حل کریں گے۔ پھر جب یہ حل ہو جائے، یعنی آپ ضابطے پر پہنچ جائیں، تب ضابطہ لکھا جائے، صحیح لکھا جائے۔ اسی ضابطے میں جو آپ کو معلوم کرنا ہے وہ بھی رہتا ہے، اور جو دیا ہوا ہے وہ بھی رہتا ہے۔ ضابطہ لکھنے کے بعد جو معلومات دی ہوئی ہے اس کو آپ کو رکھیں گے سوال کے حل میں، رکھنے کی ترتیب پر دھیان دینا ہے۔ اور جب آپ نے رکھ دیا، یہ تیسرا پوائنٹ ہوا۔ چوتھا جو ہے وہ اس کے بعد آخری بھی ہے اور اہم بھی ہے، وہ ہے تحسیب کا، حل کرنا۔ جب ہم ضابطے پر قیمت رکھ لیتے ہیں تو نامعلوم ایک طرف رہتا ہے اور ایک طرف معلوم رہتا ہے۔ چونکہ معلومات کی، معلوم قیمتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بنسبت نامعلوم سے۔ اب اگر سوال، اب کہیں گے سوال آسان کیسے ہم پہچانیں؟ تو جب نامعلوم بائیں طرف ہو، جیسے اگر ہم سے کہا جائے کہ مشترک فرق معلوم کیجئے، جبکہ
دو ترتیب والے اعداد دیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر ٹی تھری تیسرا رکن 8 ہو, چوتھا رکن 12 ہو, تو اس کا مشترک فرق معلوم کیجیے. اب دیا ہوا ہے یہاں پر ٹی تھری, تو آپ ٹی تھری لکھیں, ٹی فور وہ بھی لکھیں 12, یہ ہو گیا لکھنا. معلوم کرنا ہے مشترک فرق, ابھی اردو میں ایسا لکھیں, آگے آپ چاہیں تو اس کا شارٹ فارم ہے ڈی وہ لکھ دیں اور سوالی نشان, یعنی معلوم کرنا. یہ ہو گیا آپ کا بنیادی اصطلاح سے معلومات کا نکالنا. اب یہاں پر ضابطے کی بات آ گئی, ضابطہ یہاں پر لگے گا. ہاں بچوں, ہاں ضابطہ لگے گا ٹی برابر ٹی فور مائنس ٹی تھری. اگلے رکن میں سے اس کے پچھلے رکن کو مائنس کرنا, یہ ہو گیا ضابطہ. اب چونکہ ڈی معلوم کرنا ہے اور ڈی بائیں طرف آ چکا ہے, اور جو معلوم ہے ٹی فور ٹی تھری دائیں جانب ہے. اب یہ سوال آسان ہو گیا, اور یہی آسان سوال اس طرح کے سوال ایک نمبر میں پوچھے جاتے ہیں جو بہت ہی بنیادی رول ادا کرتے ہیں کسی مشکل سوال کو حل کرنے میں. تو آئیے اب ہم دیکھیں, ڈی بائیں طرف آیا, ٹی فور ٹی تھری دائیں طرف ہے, دائیں طرف ہے. اب ہم تیسری بات قیمت رکھنے پر دیکھتے ہیں, تو ڈی چونکہ معلوم کرنا ہے تو ڈی ویسے ہی رہے گا, برابر کے نیچے برابر آئے گا. اب ٹی فور چونکہ 12 دیا ہوا ہے, 12 لکھیں گے, مائنس لکھیں گے اور پھر 8 لکھیں گے. یہ ہو گیا قیمت کا رکھنا. اب اس کے بعد آتا ہے تحسیب. تحسیب میں آپ دیکھو گے کہ یہاں پر جو علامت ہے وہ نفی کی علامت ہے, مائنس, اور مائنس ہمیشہ جو ہے بڑے عدد میں چھوٹے کو کیا جاتا ہے, اور بہتر ہے دیا بھی ہے یہاں پر 12 بڑا ہے 8 سے, تو 12 میں سے 8 نکال دیں گے تو 4 آئے گا. تو اس طرح سے ڈی برابر 4. اب یہاں پہ چھوٹا سا تحسیب ہوا نفی کرنا, اور جواب آ گیا ڈی برابر 4. اب یہ جواب ہو گیا, ایک نمبر کا جواب تھا, ہو گیا حاصل ہوا. اب یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے جواب لکھیں جس میں عبارت کا استعمال ہوا ہو, یعنی عبارتی سوال ہو, عبارتی مطلب جو جملے میں سوال دیا تھا, تو اس کا جواب بھی ہمیں جملے میں ہی لکھنا. اب اس کا جواب کیسے لکھا جائے, تو اس کے لیے جواب ہے کہ دیا گیا حسابی تساوت کا مشترک فرق 4 ہے. یہ جملہ مکمل لکھیں, یہ مکمل جملہ ہو گیا اور سوال ایک مکمل ہو گیا. اس طرح سے یہ ایک نمبر کا سوال پہلے سبق کا تھا, مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اب یہ آسان, اسی سے بھی دو نمبر کے سوال بنتے ہیں. اب ڈی مل گیا, اب ایک سوال ایسا بھی بن سکتا ہے کہ پانچواں رکن معلوم کیجیے, تب پانچواں رکن اس کے بعد ہم معلوم کر سکتے ہیں. چونکہ ڈی ہم کو چوتھا جو رکن ہے وہ دیا ہوا ہے 12, اور پانچواں رکن معلوم کرنا ہے, تو ہم پانچواں رکن کے لیے کیا کریں گے, چوتھے رکن میں مشترک فرق جو ڈی ہے اس کو جمع کر دیں گے. تب ڈی برابر 4 جو آ چکا ہے وہ رکھیں گے, تب یہاں پہ ضابطہ کیا بن گیا دوبارہ دوسرے سوال کے لیے, ٹی 5 برابر ٹی 4 جمع ڈی. چونکہ ٹی 4 مل دیا ہوا تھا, اب برابر کے نیچے برابر لکھ کر لکھیں گے 12 جمع ڈی ملا ہوا ہے, ہاں بچوں 4 ملا, 4 رکھیں گے. اب 12 اور 4 جمع کی علامت ہے. اب یہ دھیان دینا ہے علامتوں پر دھیان دینا, تو 12 جمع 4 جمع کریں گے 16 ہے, ہم نے برابر کر کے اگلے لائن میں 16 لکھا. ابھی ہو گیا ٹی 5 برابر 16, تو یہ پانچواں رکن ہم کو حاصل ہو گیا. تو ایسے ہی سوال جو ہے دیے جاتے ہیں, تھوڑا سا بڑھا دیا جائے گا اور ایسے بڑھتا رہے گا.
लेकिन जड़ जो बुनियाद वो एक नंबर की होती है। तो हमें इन बातों को ध्यान देना। तो आइए हम फिर वापस आते हैं कि अभी से हम इम्तिहान की तैयारी में किस तरतीब पर ध्यान दें। तो तमाम जो जाब्ते हैं उन जाब्तों को आप जो है पहले बेहतर है कि आप अगर याद हो तो उसको असबाक की तरतीब से पहला सबक का नाम हिसाबी तसाउफ लिख कर और उसके तमाम जाब्ते जो आपको याद आ रहे हैं वो लिख डालें। लिखने से ये बेहतर होगा, फ़ायदा भी होगा कि आपको जो याद है वो सही है या नहीं। अब इस तरतीब से आप भी देख लें, अगर आपको थोड़ा शुबहा होता है कि कहीं गलत ना हो तो आप उसको किताब में मजमूई सवालात जो आखिर के हिस्से में होता है वहाँ पे तमाम जाब्ते इकट्ठा फिर लिखे हुए हैं, वहाँ पर आप देख लीजिए, मिला भी लीजिए, कुछ अगर गलत हुआ है तो उसको दुरुस्त कर लें। इस तरह से जाब्ते का ज़खीरा पहले सबक का आपके सामने होगा। फिर हम दूसरे चैप्टर पर जाएंगे। दूसरा चैप्टर है, सबक है मुरब्बई मसावा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं बताता चलूँ, इससे पहले का जो सबक था बोर्ड इम्तिहान में, इस सबक से 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं ऑप्शन के साथ। अब जब हम दूसरे सबक पे आते हैं तो उसमें भी 12 नंबर के सवाल आते हैं और इम्तिहान के नज़र से ये चैप्टर बहुत ही अहम होता है। फिर हम आए तो उसके भी जाब्ते उसी तरतीब में आप याद करके, अब तक तो याद हो चुका होगा ऐसा उम्मीद है, और आप उसको लिखें। इस तरतीब पे लिखते हैं आप थर्ड चैप्टर पे भी जाएं और मिलाने का चेक करने का तरतीब वही है कि आखिर में मजमू सवाल दिया हुआ है उससे आप उसको मिलाते हैं। तो ये आपके जाब्ते की तरतीब। अब हम तीसरे सबक पे जाते हैं, नाम है बच्चों तीसरे सबक का खती मसावाती, दो मुतगैर वाली खती मसावाती। ये भी बहुत ही अहम चैप्टर है, आने वाले अगली जमात के लिए बड़ा ही बुनियादी सबक है। इस पर भी 12 नंबर के सवाल रखे गए हैं। अब 12 हो चुके हैं, इसको भी आप जाब्ते के ऊपर जाएं लिख लें। फिर हम चौथे चैप्टर पर पहुँचे, चौथे का नाम है एहतमाल प्रोबेबिलिटी, उसके जो नंबर है वो है 10 नंबर का सवाल। ये भी बहुत ही, और ख़ासकर जब हम कॉमर्स में जाते हैं 11th 12th में कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है चैप्टर, तो वहाँ पर ही आपको 10 नंबर का सवाल यहाँ पर रखा गया। बहुत ही बुनियादी है और बहुत ही अच्छा चैप्टर, बड़ा अच्छा मज़ा आता है, जहन बहुत खुलता है इसके, उसका ताल्लुक सेट से 9 के जो सेट है उससे। तो ये 10 नंबर का, इसके भी जाब्ते बहुत ज़्यादा, इसका तो बहुत आसान जाब्ता है और वो है देखा जाए तो ख़ास जाब्ता जो है वो एक ही है कि पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए यानी वकुआ ए के अरकानों की तादाद बटे नमूने वसत के तमाम अरकान, एस के तमाम अरकान नंबर ऑफ एस, और उस तरतीब में आप रखेंगे जाब्ता मिल जाएगा। जाब्ता है उसके बाद कीमत रखेंगे। तो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ जाब्ते, पहले हम जाब्ते पर ध्यान दें, फिर हम पांचवें चैप्टर पे जाएंगे। पांचवें चैप्टर के भी जाब्ते हैं, उसमें जो पहला सबक है शुमारियात नंबर एक का वो 6 नंबर का, ठीक है 6 नंबर का। अब वो 6 नंबर में आप अगर देखें तो 4 एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज के आप देखेंगे तो चारों पर एक एक जाब्ते लगते हैं, बल्कि जो पहला जो एक्सरसाइज है वो मियानिया का है, मियानिया के 3 जाब्ते हैं, एक है रास्त तरीके से, उसका बहुत ही आसान जाब्ता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब जमा, एफ आई एक्स आई, एफ आई जो है वो तादुद होता है और एक्स आई जो है वो वस्ते जमात होता है, इनके ज़रब की जमा, और नीचे जो सिग्मा एफ आई तमाम तादुद की जमा, और फिर उसके बाद तकसीम का अमल,
کرنے سے آسان ہو جاتا ہے، یہ راست ہوتا ہے۔ اس کے بعد مفروضہ میانیاں، کبھی کبھی کچھ سوال جو ہے ایسے بھی پوچھے جاتے ہیں، اگر ماشاء اللہ آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی مفروضہ میانیاں کی، اس میں آپ کو اے پہلے فرض کرنا ہوتا ہے، اور وہ اے کہاں سے لیتے ہیں، جو ایکس آئی ہوتا ہے، ایکس آئی کیا ہے، وسط جماعت ہے، وسط جماعت کی جو کئی جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر اگر پانچ جماعتیں ہیں تو اس کا جو درمیانی جماعت ہوا، درمیانی ایکس آئی ہوا، وہ تیسرا ہوا، تو تیسرے والے کو ایکس آئی کو ہم اے لیتے ہیں، وہ اے فرض کر لیتے ہیں، تو یہاں سے وہ اے لے گیا ہم نے مفروضہ میانیاں، مفروضہ مطلب فرض کیا ہوا، فرض کرنا، اے ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر کیا بن جاتا ہے، ایکس آئی سے تبدیل ہو کر ڈی آئی میں جاتے ہیں، تو ڈی آئی برابر ایکس آئی مائنس اے، ڈفرینس، ڈی آئی مطلب ڈفرینس، اسٹینڈرڈ ڈیویشن یعنی ڈفرینس ہوتا ہے، ڈی آئی ایکس آئی مائنس اے۔ اب اس کی ترتیب ایک یہ کالم بنے گا، اس سے ڈی آئی ملے گا، اور آلریڈی ایف آئی دیا ہوا تھا، اس ایف آئی سے ڈی آئی کو ترتیب بہ ترتیب رو وائز ضرب کریں گے، سامنے لکھیں گے، اس طرح سے پوری جماعتوں کا ایکس ڈی آئی بنے گا، اور اسے ایف آئی ڈی آئی ملے گا، اور پھر اسی ایف آئی ڈی آئی کو اسی کالم کے نیچے جمع کریں گے۔ جمع کرنے پہ دھیان دینا ہے، اس میں آپ کو ڈی آئی میں اوپر کے کچھ جو ڈی آئیز ہے جہاں پر اے سے اوپر رہے گا وہ منفی میں آئے گا، اور نیچے والا مثبت میں آتا ہے، منفی والے کو الگ آپ جمع کریں گے، مثبت والے کو الگ جمع کریں گے۔ اگر مثبت والا زیادہ ہوگا تو اس میں سے منفی والے کو گھٹا کے، اور جو سگما ایف آئی ڈی آئی ہے اس کی جب اس کے جواب میں جمع میں آئے گا، اور کبھی کبھی نفی میں بڑا ہو گیا تو نفی کا نشان لگا کے نفی والی بڑی اعداد میں سے جمع کی چھوٹی اعداد کو گھٹا، اس طرح ایف آئی ڈی آئی ملے گا، اور سگما ایف آئی تو آپ جمع ہی کر چکے ہوں گے، اور پھر ضابطہ ہے ڈی بار، جیسے ایکس بار تھا یہاں ڈی بار، اور پھر وہ ڈی بار برابر ہوگا ایف آئی سگما ایف آئی ڈی آئی بٹے سگما ایف آئی، وہ جمع یا نفی کا جو بھی ہوگا قیمت رکھیں گے، ڈی بار ملے گا۔ اب اس ڈی بار کو ہم پھر مین میں لائیں گے، میانیاں میں، میانیاں کا ضابطہ ہے ایکس بار برابر اے جو آپ نے فرض کیا تھا پلس ڈی، اب وہ اگر جمع میں آیا ہے تو جمع ہو جائے گا، نفی میں آیا تو نفی میں رکھ کر اور مائنس کر دیں گے، اس طرح سے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اسٹیپ ڈیویشن میتھڈ، تو اسٹیپ ڈیویشن میتھڈ میں آپ کو ایچ کا رول آ جاتا ہے، ایچ یعنی ڈفرینس بٹوین دا کلاس، کلاس جو بھی جماعت ہے اس کی اوپری حد سے نچلی حد کو گھٹا دیا جاتا ہے، ایچ مل جاتا ہے، وہ ایچ مستقل رہتا ہے، اس ایچ سے جب ڈی آئی کو تقسیم کریں گے تو یو آئی آئے گا، تو اس میں کالم اور بڑھ جاتا ہے یو آئی کا، اس یو آئی کو آپ پھر سے ایک کالم بنا لیں گے، اور یو آئی کو وہی بات ہوگی، اس میں عدد تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ تقسیم کرنا ہے ڈی آئی سے ایچ کو، ایچ سے ڈی آئی کو تقسیم کریں گے چھوٹا ہو جائے گا، تو اس ایف آئی اور یو آئی ملے کو ضرب کریں گے ایف آئی یو آئی بن جائے گا، اس ایف آئی یو آئی کے دو جواب پھر ملیں گے، نفی میں بھی ملے گا جمع میں ملے گا، پھر آپ دھیان دیں گے بڑا ہے نفی تو نشان نفی کا جمع سگما ایف آئی یو آئی میں آئے گا، اور نہیں تو جمع آئے گا، اور پھر فارمولا بنانا یو بار اکول ٹو سگما ایف آئی یو آئی اپون سگما ایف آئی، اب قیمت رکھیں گے جواب یو بار میں، یو بار کا آئے گا نفی یا جمع میں آئے گا قیمت پر منحصر کرتا ہے، اور پھر فارمولا ایکس بار کا برابر بنا اے اے پلس ایچ ضرب یو بار، یو بار جو ملا ہوا ہے وہ رکھیں گے حل کریں گے اور ایکس بار آئے گا، تو اس طرح سے میانیاں کا تین ضابطے کا استعمال ہوا۔ اس کے بعد کبھی کبھی وسطانیہ پوچھتا ہے، وسطانیہ کے لیے آپ کو جو جماعت ہے وہ مسلسل ہونا چاہیے، مسلسل جماعت، کبھی کبھی مسلسل نہیں رہتی ہے تو اسے مسلسل بنانا ہوتا ہے، تو مسلسل بنانے کا ترتیب ہے ماشاءاللہ آپ نے کیا ہوگا۔ اب وہاں پر آتا ہے کہ آپ اس کو کیسا حل کریں، تو جو آپ کو ایف آئی دیا ہے اس ایف آئی کو آپ جمع کریں گے اوپری حد سے، اوپر سے، تو پہلا جو ایف ون ہوگا وہ ایف ون کی جگہ پہ آئے گا، بعد میں جو دوسرا ایف ون ایف ٹو ہوگا اس کا جمع کر کے اوپری اجتماعی تعدد کمیونٹی فریکوینسی سی ایف جسے کہتے ہیں وہ جمع کر لیں گے، تو اس
उसको जमा करते करते आप देखेंगे कि उसमें भी आखिर में जो जवाब आएगा वही आपका सिग्मा एफ आई भी होगा, वही एन होता है। एन को आप क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तरतीब आप जानते हैं, बटे दो करेंगे, आधा करेंगे एन बटे दो। अब एन बटे दो से जो कीमत कम वाली रहेगी वो सिग्मा, वो सी एफ होता है। सी एफ के लाइन में आप देखेंगे जो उससे कम रहेगा वो सी एफ हो गया, तो वो सी एफ है। और उसके सामने आप नीचे उतरेंगे तो आपको एफ आई मिलेगा, उसके सामने की लाइन में आपको जमात मिलेगी, जमात वस्तानिया, वहाँ से आपको यू और एल मिलेगा। उस यू और एल को माइनस करेंगे तो एच मिलेगा, और फॉर्मूला जो है वहाँ पर वस्तानिया का है एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन टू माइनस सी एफ ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ज़रा एच बटे एफ। तो ये तमाम जब्तों के हिसाब से, और अगर आपको दुश्वारी होती है तो बेहतर है कि आप पहले जब्ता लिख लें, और अभी आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर भी आसानी से आएगा। और जब्ते पर जो जो कीमतें आपको चाहिए उस तरतीब में अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे आज, तो इम्तिहान में इंशाल्लाह आपको कोई दुश्वारी नहीं। फिर उसके बाद आता है कसीरिया, जो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। हाँ, फार्मूला है कि L प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब H वही है, L लोअर लिमिट है, एफ एम सबसे बड़ा तादुद है, एफ वन उससे ऊपर का और एफ टू उससे नीचे का। ये कीमत आप निकाल लें, जमात मुसलसल होना ज़रूरी है। ये हो गया। फिर उसके बाद उसके आखिरी की एक्सरसाइज 5.4 में जो जाप्ता है, एक नंबर या कभी कभी दो नंबर का सवाल इस पर आता है और एक ज़रूर आता है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। उसका जाप्ता है बच्चों, जाप्ता है मियानिया माइनस कसीरिया बराबर तीन ज़रब या ब्रैकेट मियानिया माइनस वस्तानिया ब्रैकेट बंद। अब इस पे चार तीन जब तीन कीमतें हैं, तीन में दो दिया होगा और एक आपसे पूछे, तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। अब उसके बाद आते हैं छठा चैप्टर जो है आखिरी का, इसमें शुमारियात नंबर एक में छः नंबर के सवाल थे और ये ज़्यादातर हल करने वाले हैं, और शुमारियात नंबर जो दो है वो बनाना है, इजहार करना है, उसमें हल करने के साथ साथ खाका भी बनाना है। तो आइए अब उसमें जो सबसे पहला है दायरी तरसीम, दायरी तरसीम के ऊपर सवाल आता है, या तो आपको बनाने के लिए कहा जाएगा या बना हुआ रहेगा उसके ऊपर सवाल आपसे जवाब देना। अब दायरी तरसीम एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप चाहें तो नोट कर लें या ध्यान दें। मरकजी जाविया थीटा बराबर एक्स जो मध्य से आपको लाना है एक्स अपॉन टोटल टी शॉर्ट फॉर्म लिखें ज़रब 360, ये जाप्ता है। इस पर आपको हर मध्य से जाविया मिलेगा, तमाम जावियों को आप जमा करके आखिर में देखेंगे 360 मुकम्मल होना चाहिए। और उससे पहले जो टी है वो टोटल है तमाम एक्साई का, तो इस तरह से ये जाप्ते पर रखेंगे, आपको हर मरकजी जाविया हर एक्स का मिल जाएगा, टोटल करके 360 होना चाहिए जाविये का, और फिर आप दायरी तरसीम बना लेंगे। इस पे सवाल कभी कभी दायरी तरसीम ना बनाकर सवाल पूछ लेता है, वो दो नंबर का भी हो सकता है, और कभी कभी हल करके बन मालूम करके भी दायरी तरसीम बनाना होता है। इस तरह के ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और उसमें एक और है आखिर में, वो है एक तरसीम मुस्ततीली तरसीम। मुस्ततीली तरसीम में जमातें मुसलसल होना चाहिए, ये बात का बहुत ध्यान देना है। अक्सर बच्चे खासकर जो नहीं समझते वो या अच्छे बच्चे घाई घाई में इस बात का ध्यान नहीं देते, उससे गलत हो जाता है। इसके लिए आप क्या करें कि जमात मुसलसल होनी चाहिए, फिर मुसलसल के बाद उसमें जो तादुद दिया हुआ है वो तादुद उसकी ऊँचाई बयान करती है। अब जब आप बनाने लगें तो आप उसकी पहली जो जमात है उसका निचली हद देखें, निचली हद और उसके आगे अगली हद
उसके बाद वक्फ जमा यानी एच, दो दोनों का फर्क। अगर वो फर्क जो है वो फर्क अगर हम और पीछे लाएं और पीछे लाने पर अगर जीरो मिल जाता है तो क्रिंक मार्क नहीं लगेगा, और अगर नहीं मिला तो फिर वहाँ पे क्रिंक मार्क लगेगा। मुस्ततीली तरसीम में क्रिंक मार्क के बाद आपको कोई जगह नहीं छोड़नी है, आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मुस्ततीली तरसीम के साथ साथ कसी ज़िले भी बनाने के लिए कहता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक जमात को यानी एक खाली रखना है, एक जमात जो उसके अंदर नहीं बताई होगी उसके पहले की जमात को वहाँ क्रिंक मार्क के बाद तब देना है, क्योंकि उसके वस्ते जमात से जो है जोड़ना शुरू होता है कसी ज़िले का। तो कसी ज़िले के लिए ये बात को ध्यान देना, और आखिर में भी एक जमात को आपको एक्स्ट्रा उसी के साथ जोड़ देना है, और पहले जो खाली जमात है उसके वस्ते नुक्ते से और हर आगे वाली जमात के वस्ते नुक्ते को सिलसिला बरसर सिलसिला एक के बाद एक वस्ते नुकात को जोड़ते जोड़ते आपको कसी ज़िले बन जाती है। इस तरह का एक सवाल अक्सर ये पूछता है, तो ये मैंने आपको याद कराया जाप्तों का, ये जाप्ते के बाद ये तरतीब हो गई। अब इसकी तरतीब से आपने हल भी किया होगा। अगर मेरा आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपकी तैयारी हो जाए तो आज एक छोटा सा आप अपना खुद का इम्तिहान दे दें, देखें कि आपको पर्चा किस तरतीब में होता है, ठीक है। अब ये तमाम बातें होने के बाद दोहराना बहुत ज़रूरी है, आप दोहरा लें पूरी तरह से। आज आपके मामूल के मुताबिक आप जो सोते हैं उससे पहले आपका जितना भी काम हो जाए इत्मीनान के तौर पर उसको पहले कर लें, ये बेहतर होगा कि जितना भी हो सके रिवीजन आप कर लें, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि आप अपनी नींद को ना ख़राब करें, जो आपका मामूल है उसके मुताबिक आपको सोना है। अब यहाँ तक तरतीब हो जाने के बाद आप जब सोने जाएं तो आप उसके पहले आप जो है जाप्ते जो लिखा है आपने उसको मिलाने के बाद एक बार फिर से सोते सोते उसको देख लें, नींद आ जाए सो जाइए, सुबह में आप मामूल के हिसाब से उठिए। बेहतर होगा कि एक अच्छा इम्तिहान आपको 10 तारीख को देना है तो थोड़ा सा टाइम पर उठें, अगर आप फजर से और पहले उठ गए हैं तो आप अपनी फरागत से फारिग होकर आप फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ लें, या आपके पास टाइम है तो थोड़ा आप उसको दोहरा देख लें, नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद फिर आपका जो भी नाश्ता हो गया फिर एक बार आप उसको जो मुश्किल आपको लगता है कि जी अभी थोड़ा सा हमको डाउट है तो वो तमाम सवाल को आप जो है एक बार फिर से लिख लें। ये लिख कर तैयारी आपकी मुकम्मल हो जाएगी माशाल्लाह, अब तक आपने बहुत सी तैयारी की है, मज़ीद और तैयारी हो जाएगी आपकी। अब आप 10 तारीख की सुबह को इम्तिहान गाह की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर आपको कम से कम 10 या 10:15 तक आपको इम्तिहान गाह में पहुँच जाना चाहिए पूरी तैयारी के साथ, दुआओं लेकर खुशी खुर्रम आप वहाँ पहुँचे इम्तिहान की तरफ, और आप अपनी सीट पर जब पहुँचे 10:30 बजे तो वहाँ पर बैठ जाएं, आसपास कोई चीज़ इधर उधर चीट वगैरह ना हो, अगर है तो वैसे तो हर जगह साफ़ सफाई होती है बट आपका मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ बैठ गए, आप अपनी सीट पर बैठ गए, सीट पर बैठने के बाद अब आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा, आंसर पेपर, हॉल टिकट आप ले जाना ना भूलें, याद से सब शाम को ही आप अपने रख लें, शाम को रखें पूरी तैयारी के साथ जो आपको ले जाना है। जब आप सीट पर बैठें तो आपको आंसर पेपर मिलेगा, उसको आप पहले देख लीजिए लिखने से पहले कि कहीं कुछ बदलने लायक तो नहीं। उसके बाद फिर आप जो है आपको मिल गया उसको लिखना है, आपको लिखने के लिए आप ध्यान दें कि पहले सीट नंबर फिर वर्ड में लिखना है, उसके बाद आपको साइन करना है, साइन करने के बाद फिर नीचे आपको सुपरवाइज़र साइन करेगा और बाद में करेंगे, फिर आप उसके बाद इसमें मैथ्स में एक बार ध्यान देंगे आगे के, चूँकि आप मैथ इंग्लिश का भी देखा आपने क्वेश्चन पेपर सेट कोड मिला होगा, ABCD 4 सेट मिला, ऐसे ही कोई सेट आपको मैथ्स में भी मिलेगा, वो आपके टेबल पे लिखा हुआ होगा सीट नंबर पर, आपकी टीचर भी आपको बताएंगी, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको सेट ना समझ में आए टीचर से आप पूछ लीजिए, वो लिखें, सब्जेक्ट लिखें, डेट लिखें और आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर लिखें,
ये हो गया। अब उसके बाद फिर आप हर पेज पर दाएं तरफ हाशिया खींच लें, आपके पास टाइम है। और उसी दरमियान में आपको, आपने देखा भी होगा मामूल के मुताबिक, आपको दो पेपर साइन करने के लिए आता है, एक सीट नंबर और स्टिकर नंबर। उसको आप ध्यान से साइन करें, स्टिकर नंबर पर ध्यान रहे आपकी, उस पर भी आपका उस पेपर में सेट कोड लिखा रहेगा, वहाँ पर भी आप ध्यान दें सेट कोड बराबर है या नहीं। और एक सप्लीमेंट पे साइन करना होगा, एक पेपर पे जो सप्लीमेंट के लिए होता है, उस पर सीट नंबर के सामने आप साइन करें, उस पर भी सेट रहता है रिकॉर्ड के तौर पर, वहाँ पर भी आप ध्यान से साइन कर लें। इसी दरमियान में आपको जो है स्टिकर लगा दिया जाता है, आप स्टिकर अगर गड़बड़ करें तो आप ना लगाएं, टीचर लगा देंगे। आप इत्मीनान से उसका सीट स्टिकर नंबर ध्यान पे दें, और ये काम आपको 10:50 से पहले मुकम्मल कर लेना है। अगर टीचर थोड़ा सा कभी कभी नहीं होता है तो आप उसका टेंशन ना लें, जैसे ही 10:50 की का टाइम होगा आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर याद रखिए बच्चों, ये आपकी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, गवर्नमेंट ने दिया है कि आप उसको 10 मिनट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, परेशान ना हो। तो 10 मिनट में आपको सिर्फ सवाल या पर्चे की कि सवाल को देखना है, मैनेज करना है, सेलेक्ट करना है। आइए हम आपको बताएं कैसे उसको 10 मिनट का इस्तेमाल करें। अब 10 मिनट में आपको जो मिला पेपर पैटर्न आपको पता ही है। अब हम पहले सवाल पे आते हैं। हिदायत आमतौर पर अलजेब्रा में कि आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, सभी सवाल को हल करना है, सवाल के नंबर सामने लिखे हैं, ये आमतौर पर वही रहता है। आप सवाल नंबर पहले पर चलें। पहले में आपको एक नंबर के सवाल 5 ही करने हैं, 6 दिए हुए रहते हैं, यहाँ एक आपको इजाफी है। आप बेहतर होगा पेंसिल से जो आपको 5 जब से बेहतर आते हों उस पर निशान लगाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको वहाँ सभी सवाल आएंगे। बट आप छठे पर जो छठा मतलब जो एक्स्ट्रा आपको करना है, इस पर आपको लगता है कि ये मेरा एक्स्ट्रा होगा, आपको उस सिलेक्शन करते हुए ये ध्यान देना है कि सबसे अच्छा मुझे कौन सा जवाब आता है, कौन सा मैं जल्दी लिख लूंगा, सही कौन सा मेरा होगा, इस पर आपको ध्यान देना है। लंबे चौड़े सवाल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और इस तरह से 5 सवाल के बाद फिर सवाल नंबर 2 पे आप जाएंगे, दूसरे पर आपको यहाँ पर 2 नंबर के सवाल मिलेंगे, 6 सवाल दिए रहेंगे जिंदगी, जिसमें से सिर्फ 4 आपको करना है। पेंसिल से जो बेहतर होगा आपको चारों पर आपको निशान लगा देना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पहला पहले ही करना है या पहले ही निशान लगाना, बट पढ़ना आपको सब है, कहीं चूक ना हो जाए इस बात का ध्यान दें। ये 4 यहाँ से क्रॉस करने के बाद सवाल नंबर 3 पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको सिर्फ 3 करना होगा, 5 दिए रहते हैं, यहाँ पर भी आपको आसानी दी गई है। 2 मुश्किल जो आपको लगते हैं उनको छोड़ दीजिए, निशान ना लगाएं, 3 बेहतर का निशान लगा लीजिए। 3 निशान लगाने के बाद आप चौथे पर जाएं, और थोड़ा सा ये देखें कि टाइम आपका 10 मिनट, अब इसका इस्तेमाल 10 मिनट ख़त्म होता होगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे अगर आपको लगता है, या इसकी प्रैक्टिस पहले करें तो अच्छा होगा। अब हम सवाल नंबर 4 पे देखें, उसमें आपको 3 सवाल दिए होंगे, 2 आपको करना है। अब यहाँ पे अच्छी तरह थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि थोड़े जब सवाल बड़े होते हैं, मुश्किल होते हैं, घुमाने वाले होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, अच्छे बच्चों को थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। फिर इसी तरह से आप 5वें सवाल पे जाएंगे, जहाँ पर 3 में से 2 ही करना है, सिर्फ 2 करना है, तो आप निशान लगा लें, और इस तरह से आपका पूरा पर्चा निशान जो आपको करना है वो लग चुका होगा। अब अगर बेल हो गई है और हो भी जाएगी 11 बजे, ठीक 11 बजे आपका शुरू हो जाना चाहिए। अब आंसर आप कैसा लिखेंगे उस पर ध्यान दें। जब आप पेज नंबर 3 पे जाएंगे, तो 3 पर जब आप जाएंगे तो बाईं तरफ नीचे जा रही आप देखेंगे सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर, और आगे एक स्पेस छूटा हुआ रहेगा, उस पर आपको सवाल जो मेन सवाल है असल पहला, तो नंबर 1 जो सवाल या पर्चे पर नंबर होगा उसी नंबर में आपको लिखना है। अब वो सवाल नंबर 1 आपने लिखा वहाँ पर, अब उसके अंदर आप कौन सा करते हैं, आप पहला करते हैं, दूसरा करते हैं, ये बात ध्यान देना कि उसमें जो रोमन सिस्टम में, यानी आई डॉट आई स्मॉल आई स्मॉल आई डबल आई इस टाइप का, यानी रोमन आप समझे, तो उसके नंबर आपको आपको लिखना है। आपको कोई अपने हिसाब से कोई नंबर नहीं देना, ये बात का ध्यान देंगे। अब आप जिमनी सवाल नंबर 1 लगा दिए, शुरू कर रहे हैं आप, मान लीजिए
अब आप उसको बेहतर ही होगा कि पहला सवाल बहुत अच्छा करें। जैसे इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप पहला परिचय को अगर बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत आपसे जो एग्जाम होगा मुतासिर होगा। तो आप पहले क्या करें कि जो सवाल तो आप चुके पढ़ चुके हैं, अब आपको जवाब लिखना है, तो आप जो मालूमात दी हुई है उसको आप मालूमात को एक मालूमात को एक लाइन में लिखें, एक लाइन चाहें तो छोड़ दीजिए, दूसरी मालूमात को उसके नीचे लिखें। मालूमात यानी दिया हुआ हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या मालूम करना है वो भी लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद अब आप हल की तरफ आएं। अलजेब्रा में हल करना ज़्यादा होता है, साबित करना कम होता है, कभी कभी कुछ सवाल साबित करने वाले होते हैं। तो ये जब आएगा तब उसमें आप वहाँ पे हल के बजाय क्या लिखेंगे, सबूत लिखेंगे। अगर हल साबित करने वाला रहा तो नहीं तो हल, ज़्यादातर हल होता है। अब हल के ऊपर आप जाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर जो आपने जो जाप्ता लिखा था, जो याद किया था, वो जाप्ता जो है आप जाप्ता जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। वो जाप्ता आपने लिख दिया, अब जाप्ते पर आपको मैंने मिसाल के तौर पर बताया था वो आपको लिखना है, उसके ऊपर कीमत रखना है, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के करना है। उसके बाद एक अमल एक टाइम पे करिए, पहले पर पहले सवाल बहुत अच्छा कीजिए। दाहिने तरफ का जो स्पेस है, हाशिया जो आपने खींचा है, वहाँ पर आप कुछ जो हल करने का है, जमा करना, नफी करना, ये जो चार बुनियादी अमाल है, जमा, नफी, ज़रब, तकसीम, इनमें से कम कोई ना कोई एक तो ज़रूर रहता है, आप उसको अच्छी तरह से करें। छोटे आदाद होते हैं, आप ज़बानी भी कर सकते हैं, और ये लिखने के बाद सवाल को जवाब जब लिखना हो तो मुकम्मल जुमले में लिख दीजिए। अगर उसमें इकाई का दखल है तो इकाई भी लिखें। इस तरह से सवाल नंबर एक पहले का पहला हुआ या पहले का जो हुआ। उसके बाद आप पन्ना पलटते हैं, नया सवाल नया पेज, दूसरे पेज पर जाएंगे बाईं तरफ फिर सवाल लिया, सवाल नंबर होगा, निशान लगा होगा, बॉक्स बना होगा, उसमें आप सवाल नंबर लिखें। अब वहाँ पे पहला कि अगर सवाल पहले की तरतीब है तो दोबारा आपको पहला मेन सवाल नहीं लिखे, आप जिमनी सवाल को ही लिखें। और इस तरह से जो आपको पांच सवाल करने हैं उसकी तरतीब से आप उसको करते चले जाएं। अगर मान लीजिए आपको कोई इसमें से एक नहीं आता है तो आप आपको लगता है तो एक उसके लिए एक सफ़ा छोड़ दीजिए और एक्स्ट्रा सवाल बेहतर होगा कि आप उसको बाद में करें। अब इस तरह से जो आपने पहला सवाल किया मुकम्मल हुआ, फिर उसी तरतीब में दूसरे सवाल में जाएं आप, दो नंबर का आप सवाल पूरा करेंगे, ठीक है। तो दो नंबर का जो सवाल होगा वो आपको चार सवाल करने हैं। अगर उसमें भी कोई आपको नहीं आता है तो जो आता है पहला आप उसको करें। तो पहले राउंड में आप क्या करें कि पहला जो जो कंपल्सरी क्वेश्चन है और जो आपको आता है वो पहले राउंड में उसको मुकम्मल करें। स्पीड पर ध्यान दें, खासकर अच्छे बच्चों का जो सवाल का जो तरतीब है, एक नंबर का जो पूरा मुकम्मल सवाल है वो 10 मिनट में हो जाना चाहिए और उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो 15 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अब आप तीसरे सवाल पे जाएं, चौथा जाएं, पांचवा जाएं, जो आपको करना है कंपल्सरी वो क्वेश्चन आप मुकम्मल करें। उसके बाद फिर अगर आपका सवाल छूटा होगा तो जाहिर सी बात आपके पास टाइम मिलेगा। अब उस टाइम पर आप वापस आप देखें कि आपको जो कंपल्सरी क्वेश्चन करना था उसको आपको वापस दोबारा वो जो जगह आपने छोड़ा था उसमें आप उसको लिखें। अब अगर आपको मान लीजिए आता है तो मुकम्मल लिखें, नहीं आता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको जितना भी आता है आप उतना लिखिए, मालूमात लिखिए, दिया हुआ लिखिए, जो आपको जाप्ता आता है उसके मुताबिक वो जाप्ता लिखें। आप इतना भी लिखेंगे या जितना भी लिखेंगे अगर वो सही हुआ तो बोर्ड के रूल के हिसाब से आप उस पर नंबर आप मिलेंगे, अब उसका दिमाग में टेंशन मत लीजिए। और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपका मुकम्मल हुआ, तो आप फिर क्या करें, एक्स्ट्रा जो सवाल है उसको आप लिखें और कम से कम हर एक सवाल का मेन सवाल एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जरूर करें। और इस तरह से मुकम्मल करने के बाद आखिर में आप जो है 5 मिनट का वक्फा ये निकालें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, लिखने में कहीं मुझे छूट तो नहीं गया, खासकर सवाल नंबर तो नहीं छूटा, जवाब जुमले में नहीं लिख पाया, या कहीं पर मैंने हल करते वक्त छोड़ दिया कि ये मुझे लिखना था भूल गया मैं, उसको दोबारा देख लीजिए। मुकम्मल इस तरह से हो जाएगा। आपको एक ग्राफ पेपर भी मिलेगा, ग्राफ पेपर के एक सवाल कम से कम रहते हैं। तीसरे सबक में ग्राफिकल मेथड तरसीमी तरीके से हल करना होता है उसका, और कभी कभी वो ना देखे तरसीमी सवाल पर एक सवाल दिया रखा है हिस्टोग्राम का,
वहाँ पर। तो ये आपका एक सप्लीमेंट हुआ, ये बात का ध्यान दें, सप्लीमेंट जब भी आप लें तो उसके ऊपर सप्लीमेंट पहला दूसरा तीसरा इस तरह से तरतीब से लिखना है आपको, उसमें भी मुकम्मल मालूम भरना है और इस तरह से उसको उसके बाद एक के बाद एक जो आप तरतीब में एक दो नंबर लिख के तैयार रखें और आखिर में जब आपका पर्चा खत्म होते रहे तब आपकी तमाम तैयारी को मुकम्मल करना है और उसके बाद फिर वो हॉलोग्राफ जो लगता है उसको पेश कर देंगे। सब पर आपको भी ध्यान देना है, एक तरतीब से बांध लेना है, सप्लीमेंट गिन लेना है, एक जो आपका मेन है वो वन होता है, उसके बाद आप जितना भी लेते हैं वो सप्लीमेंट वन टू थ्री होता है, उसको फ्रंट पेज पर आप आके वहाँ पे लिखेंगे, उसका टोटल करेंगे और वो मुकम्मल हो जाएगा। और आप फिर दुआ करें कि अल्लाह ताला जो मैंने लिखा अल्लाह ताला उसको बेहतर करे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि कुछ बच्चे जो मतलब अच्छे बच्चों का ये तरतीब था, कुछ कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए है कि बेटा आप लोग जो ध्यान रखें कि सवाल नंबर एक और सवाल नंबर दो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपको अगर ये आपने इतना भी कर लिया तो बोर्ड रूल से आप पासिंग मार्क तक पहुंच जाएंगे और उसके आगे के भी सवाल पर बेटा आप ध्यान रखिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक और दो कर दें, आप तीन चार पाँच के जो सवाल आते हैं अगर उस पर मालूम आपने लिख दिया, सवाल हल कर रही है जो आपको आता है, बहुत सी बातें आप जो है जानते हैं बट आप घबराते हैं, घबराना नहीं चाहिए और उसको दूर करने के लिए बेहतर होगा कि आप पहले पर्चा खुद हल कर देख लीजिए और वहाँ पर आपको इंशाल्लाह तमाम लोगों की दुआएं, तमाम लोगों की कोशिशें, आपकी वालदेन हर लोग सब आपके साथ लगे, अल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा कराएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो आप बहुत तैयार होकर जाइए और एक अच्छा रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। हमारी नेक तमन्नाएँ पूरी काविश टीम की जानिब से आपके साथ में हैं, हम आपके साथ लगे हुए हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमारी दुआएं कोशिशें आपके साथ में, बस आप अपना ख्याल रखें, आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, अल्लाह ताला हम सबको खुशहाल रखें।